प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी आरआरवी एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आई है उसी का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जो है ना, ये मेवात घराने से संबंधित हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम वर्ष 1969 में पारित किया गया था। तो वर्ष 1969 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ता है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो हल्दिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो तेलंगाना जो राज्य है ना, आंध्र प्रदेश से होकर अलग होकर बना है। तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, खालिस्तान भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी प्राधिकरण जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसे सौंपी गई है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आर्मिक और यूनानी भाषा में थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1940 में यह प्रस्ताव पारित किया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? ज्योतिबा राव, गोविंद राव फूले ने। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था। तो पहला ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति की पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति परमाभियोग चलाना हो तो आरोप खालिस्तान किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंचायतों का संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानी या घाटियों में जमा हुए कचारी जमाव से बनते हैं, खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्लेसर निक्षेप के रूप में। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंप समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः खालिस्तान वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका, 7.5 तीव्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन राय, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? शंकर देव द्वारा रचित भावना ब्रजावली पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग खालिस्तान की वृद्धि करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 25% की वृद्धि करना था, चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है बृहत क्षरण, और दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य भवन में स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक ही भूखंड में सभी और खुली जगहें होती हैं, उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पृथक भवन, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि अवशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कृषि अवशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया था IIT हैदराबाद में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोश्यम नाटक में वर्णित है, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रथम मुगल सम्राट 1526 से 1530 केवल खालिस्तान की आयु में 1494 फरगना की गद्दी पर बैठा है, 12 वर्ष की आयु में जो बाबर था ये केवल 12 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर फरगना की गद्दी पर बैठा था, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में 128 स्रोत हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला जो समय है वो है मेमोरी एक्सेस टाइम, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? सूरत शहर जो है ना ये भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें खालिस्तान क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। 37 डिग्री तापमान लगभग के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 98.6 डिग्री F के बराबर होता है, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार की क्या है? माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार की ये ज्वालामुखी चोटी है, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस विशाल एकल भूखंड का नाम है पैजिया, जिसका विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है,
तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस रूप में जाना जाता है, उत्पादन के घटक के रूप में। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, ब्रिगेडियर SV सरस्वती। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है, वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण जो है ये प्राइस सीलिंग का उदाहरण है, प्राइस सीलिंग का। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खालिस्तान में प्रतिपादित किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया था, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारा पहला प्रैक्टिस था RRV NTPC 2024 की परीक्षा के लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।